आपका क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी -29 -26 -23 डैश 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 61 इज 16। तो आपको देखो क्या करना है, कौन सा टर्म है आपको निकालना है, लेकिन वो कौन सा टर्म होना चाहिए, आपका 16th वाला इधर है, दैट मीन्स ए एन इज 16। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पर देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले ए वैल्यू पुट करो, ए एन आपका 16 है, इज इक्वल टू ए आपका -29 है प्लस एन माइनस वन, और डी आपका कितना है, देखो डी इज इक्वल टू कितना होता है, ए टू माइनस ए वन। तो ए टू आपका है -26, ये वाला माइनस, ए वन है आपका -29, तो -29 को ब्रैकेट में डालना है, तो ये आपका आ जाएगा -26 प्लस 29, तो दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3। तो यहां पर वैल्यू पुट करो 3, तो देखो 16 और -29 को लेफ्ट में लेकर आ जाओ, हो जाएगा +29, तो 16 प्लस 29 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस वन। इसको सॉल्व करो तो 16 प्लस 29 हमारा कितना होगा, 45। तो 45 इज इक्वल टू 3 एन माइनस वन, तो n माइनस वन क्या हो गया आपका, तो नाउ वी कैन से n माइनस वन इज इक्वल टू 45/3। तो इसको कट कर दिया तो ये आ गया 15। नाउ n माइनस वन इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 16, दैट मीन 16th टर्म आपका होना चाहिए, तो आंसर इज 16th टर्म। तो 16th टर्म इज योर बी ऑप्शन, ठीक है।